गाइस व्हेन टू स्टार्ट पीआरपी और हाउ टू स्टार्ट पीआरपी, तो आपको ये कब चूज करना चाहिए, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम, कौन से पेशेंट को चूज़ करने के लिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सो दोस्तों, पीआरपी कौन से पेशेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, तो पीआरपी के मेन इंडिकेशन या पीआरपी किस चीज़ या किन सी प्रॉब्लम्स में फ़ायदा करता है वो सिर्फ जानना जरूरी है। सबसे पहला था एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसको मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, जिसमें एरिया में टक्कल होता है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पीआरपी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, एक तो हेयर फॉल कम होता है, आपके जो बाल टूट के गिर रहे हैं वो कम होते जाते हैं। दूसरे जो इनएक्टिव फॉलिकल है, जो वीक हेयर्स है, वो वापस स्ट्रांग होकर थिकनेस गेन करते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन में आप देख रहे हो, इनके काफ़ी सारे इनएक्टिव फॉलिकल्स थे, वो वापस एक्टिवेट हो गए, वापस वो स्ट्रांग हो गए। तो दैट इज़ द वन इंडिकेशन इन मेल पैटर्न बाल्डनेस। ओके, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पेशेंट कर सकता है, 3 या 4 पीआरपी में अच्छे रिजल्ट तक पहुँच सकता है वो। सेकंड है हाउ टू स्टार्ट पीआरपी, डायरेक्टली पीआरपी स्टार्ट कर दे क्या, बस भाई बाल्डनेस है पीआरपी स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इफ़ यू हैव सम बाल्डनेस इशू, देन फर्स्ट यू टेक इवोल्यूशन फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपके प्रॉपर डॉक्टर्स हैं उनके साथ जाके इवोल्यूट करो, आपके रीजंस फाइंड आउट करो। कई बार जो बाल्डनेस का इशू होता है या हेयर फॉल का इशू होता है, डैंड्रफ की वजह से होता है, स्काल्प इन्फेक्शन की वजह से होता है, इनप्रॉपर डाइट, विटामिन डेफिशिएंसी, इन सब से होता है, स्ट्रेस और उन सारी चीज़ों से होता है, तो वो सारे भी कवर करना जरूरी, बिकॉज दीज आर द मेन रीजन और रूट कॉज। पीआरपी एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट है, ब्लैंकेट और अम्ब्रेला ट्रीटमेंट है। अम्ब्रेला ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी तरफ का पानी आ रहा है वो रोकेगा, फिर वो बारिश का है, कोई भी आर्टिफिशियली रोक रहा है, वैसे तो पीआरपी रिजल्ट दे देता है, पर वो रूट कॉज को कवर नहीं करता, वो सिर्फ रिजल्ट देता है। किस रीजन से आग लगी थी वो जानने की कोशिश इसमें नहीं होगी, सिर्फ वो आग बुझा देगा। हाँ, अगर हमें पता चल गया कि कौन से रीजन से आग लगी है, तो डेफिनेटली हम वो रीज़न के ऊपर काम करेंगे, तो वापस आग लगने के चांसेस कम है। तो पीआरपी रिजल्ट बूस्ट कर सकता है, बट वो रीज़न जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा था, आपको बाल्डनेस आ रही थी, अगर वो रीज़न आप जान लेते हो, तो डेफिनेटली वो आप रीज़न कंट्रोल करके आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मेंटेन कर सकते हो। दूसरा है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है, पैची हेयर लॉस होता है, कुछ कुछ एरिया में बाल टेक्निकली या टेम्पररीली वो इम्यूनिटी की वजह से डिस्टर्ब हो गए होते, तो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इन केस को हम काफ़ी केस में मराठी में जैसे हम चाय बोलते हैं, गुजराती में उंदरी बोलते हैं, तो ये एलोपेशिया एरियाटा में भी ये रिजल्ट अच्छे देता है। जब रीग्रोथ करनी हो बालों की, तो हमें उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा है फेशियल रिजुवेनेशन। काफ़ी लोगों को चेहरे पे स्कार्स हो गए होते हैं पिंपल्स की वजह से और उनकी वजह से, तो ये स्कार्स में भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो हम CO2 नाम के लेज़र और सब्सीजन नाम के प्रोसीजर के साथ, माइक्रो ड्रिलिंग के साथ पीआरपी करते हैं, कुछ सेशन में उनमें भी इम्प्रूवमेंट अच्छी आती है। चौथा केस है क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स, मीन स्किन में कहीं पे ज़्यादा डैमेज हो गई है, जल गया है, कट गया है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से स्किन चली गई है, तो वहाँ पे स्किन को वापस रिकवर करने के लिए भी ये यूज़ होता है। टैलोजन इफ्लुओम, जैसे कि कोरोना, टाइफॉइड, डेंगू, इसकी वजह से किसी को एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, ये सिचुएशन में भी पीआरपी आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो दीज आर द मेन इंडिकेशन फॉर पीआरपी। ओके, कब स्टार्ट करना है, तो जब आपको लग रहा है कि आपके रूटीन मेडिकेशंस काम नहीं कर रहे, आपके होम रेमेडीज़ काम नहीं कर रहे, तो कोई प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के वहाँ पे जाके पहले उनसे इवेल्यूएट करवाइए आपका बाल्डनेस का प्रॉब्लम या आपका हेयर लॉस के रीज़न, और उसके बाद पीआरपी में वो जैसे बताया वैसे स्टार्ट कीजिए, तो ये आपको काम कर सकता है।